हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन ओझा, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, जो हर एक बंदा ये वीडियो देख रहा है उस हर एक इंसान से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, शेयर करें दूसरों से, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ इस चीज़ को कि क्यों अभी तक जिम नहीं खुले। जिम ना खुलने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, किन लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, हेल्थ एंड फिटनेस की नॉलेज जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, सालों लग जाते हैं, यहाँ तक कि जन्मों लग जाते हैं। अगर ढंग से कोई इस चीज़ को स्टडी करेगा वो समझ जाएगा कि एक ज़िंदगी में पूरी हेल्थ और फिटनेस की जानकारी कोई ढंग से नहीं ले सकता। इतना वास्ट ये फील्ड है, इतना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तब जाके लोग अपने आप को जो इतनी अच्छी फिजिक बना पाते हैं। तो इतनी फिजिक बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसको अगर आप कंपेयर करें कि एक कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर से या किसी बड़े बिजनेस टाइकून के साथ में, तो जिसे सालों लग जाते हैं एक बिजनेस अंपायर खड़ा करने में, उसी तरीके से एक बॉडी बिल्डर को अपना फिजिक बनाने में, हेल्थ और उसके जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं जिसको वो जाके स्टेज पर शो करता है, उसको बनाने में सालों लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं आपने क्या किया है ये 4 महीने बंद करके? समझ में आती, जब तक लॉकडाउन था सब लॉकडाउन था, ठीक है, बट जब आपने कुछ इंडस्ट्रीज को खोल दिया, कुछ बिजनेसेस को खोल दिया, अलाउ कर दिया, जिम्स को बंद रखा है 4 महीने से, जो बॉडी बिल्डर घर पे बैठा होगा उसकी पता है कुछ कैसी स्टेज हो रही होगी, कि जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर होगा और उसको अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो जाए, उसका उसकी मेंटल स्टेट कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। सुसाइड कमिट करने के, या मतलब जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर का जो उसका हार्डवर्क होगा वो उसके सामने ही मतलब सब धराशायी हो जाएगा, वैसा कुछ एक बॉडी बिल्डर के साथ में हो रहा है जो कि इतने हार्ड एंड मसल होते हैं, जाते टाइम पता नहीं चलता, फटाक से चले जाते हैं। और देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, हाइजीन का भी पता नहीं है, तो बाहर से कोई चीज़ लाते हुए भी डर लगता है, स्पेशली जो बॉडी बिल्डर है उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि मैं चिकन लाऊं, फिश लाऊं कि नहीं लाऊं बाहर से। मैं खुद इस चीज़ को बहुत पर्सनली इस टाइम भुगत रहा हूं, अपना मसल साइज़ मैं भी ड्रॉप होते हुए देख रहा हूं, जबकि मैं इस टाइम कोई कंपटीशन खेलने के उसमें नहीं हूं, पिछले 2-3 साल से नहीं खेल रहा हूं कोई कंपटीशन, और ऐसा कोई मेरे को अभी है भी नहीं कि मेरे को कोई आसपास में कोई कंपटीशन खेलना है। बट जो लोग इस चीज़ से सीरियसली जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल के जिनको अभी था कि हमने कोई कंपटीशन फेस करना है या आगे बढ़ना है इसी चीज़ में, उन लोगों की क्या हालत हो रही होगी, क्या मेंटल स्टेट हो रही होगी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस चीज़ को। आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स खोल दिए, आप लोगों ने बस ट्रेन्स को खोल दिया, आप लोगों ने सलून्स को खोल दिया, आप समझ सकते हैं, ये ठेले खुल रहे हैं, मार्केट में जाएं भीड़ लगी पड़ी। मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे आप मैं जब मार्केट में जाके देखता हूँ, या आप लोग भी अगर मार्केट में जाके देखेंगे, भीड़ लगी पड़ी खचाखच। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नाम की कोई समझ में नहीं आती कि कोई चिड़िया है भी कि नहीं है, और ठेलों पे लोग खा रहे हैं मज़े से जैसे कभी कोई कोरोना था ही नहीं, जलेबियाँ खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, सब चल रहा है, मस्ती हो रही है बाहर। आपको क्या लगता है, मतलब ये गोलगप्पे या कोई भी चीज़ कह रहा हूँ XYZ, उसको खाने के लिए क्या मुंह से मास्क नहीं हटाना पड़ेगा? या सैलून में बाल कटाने जा रहा है जो बंदा, उसको क्या वो मास्क पहन के बाल कटा लेगा? जब कपड़ा बांधा जाता है, आपने सभी जानते होंगे इस चीज़ को कि जब हेयर कट से पहले आपको जो हेयर ड्रेसर है वो एक कपड़ा बांधता है गले में, उसके बावजूद अंदर बाल चले जाते हैं जबकि वो अच्छा टाइट बंधा हुआ होता है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ मास्क वाली जगह से बाल नहीं जाएंगे अंदर? और बाल जाएंगे तो उसको क्या अनईजी फील नहीं होगा, जो भी इंसान बाल कटा रहा है उसके बाद वो मास्क को उतारने की कोशिश नहीं करेगा? एक तरफ आप बोलते हैं मास्क ना पहन के जाने पे जुर्माना भरना पड़ेगा, तो ये सब जब सारे काम आपने खोल दिए, आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि बिल्कुल भी कि ये मास्क हटा के ही सारे काम होंगे, रेस्टोरेंट्स खोलना या सलून्स को खोलना? वो लोग को आप, वो आपको बेचारे लग रहे हैं, और जो लोग अच्छी फिटनेस की नॉलेज रखते हैं, जिनको पता है सैनिटाइजेशन कैसे करना चाहिए प्रॉपरली, क्या हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, जब मैं कोई भी ऑनलाइन, अगर मान लीजिए मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ, उसमें अपनी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री मेंशन करता हूँ? हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, ना कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। मैं कोई होटल नहीं चला रहा हूँ कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं हेल्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं फिटनेस दे रहा हूँ आप लोगों को।
तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, आपने डॉक्टर्स को तो अलाउ, वो तो खैर कभी बंद हो ही नहीं सकते, पर आपने जिम्स को पता नहीं क्यों बंद कर दिया। कुछ गाइडलाइंस दे देते कि हाँ ये फला फला गाइडलाइंस हैं, इसके हिसाब से आप अपना जिम चलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और इन इन बातों का आपने ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। अब एक चीज़ ये लेते हैं कि मेरा अपना जिम है, मेरे जिम में मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर ही तो आएंगे रोज़ के रोज़। ये ऐसा है कि आज कोई अलग 100 मेंबर हैं, कल दूसरे कोई नए 100 मेंबर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एक सैलून में क्या होगा, वहाँ रोज़ का रोज़ वही बंदा आएगा। मैंने आज अगर बाल कटा ली तो कल क्या फिर उसे बाल कटाने पहुँच जाऊँगा मैं, ऐसा पॉसिबल है? वहाँ रोज़ नया बंदा आएगा। एक बार बाल कटा लिए तो आपको, अगर मान लीजिए आपने अगर अपनी दाढ़ी भी ट्रिम कराई है, तो कम से कम एक हफ्ते का टाइम लगेगा, आप दोबारा जाएंगे तो जो कल जो बंदे आएंगे वो आज वाले नहीं होंगे, पॉसिबल, वो तो ऑब्वियस है। और मार्केट में भी जो दुकानें हैं उसमें भी मैं जाके देख रहा हूँ, वहाँ पे भी कोई ऐसा कोई डेटा वो रख ही नहीं रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जो नोट दे रहे हैं हम लोग एक दूसरे को जो भी खरीदते हुए, वो नोट किस किस के हाथ से आके गया है, क्या इस चीज़ का कुछ पता है? सबसे ज़्यादा तो एक कोरोना स्प्रेड करने वाली चीज़ तो वही बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दारू के ठेके खोल लो, रेस्टोरेंट्स खोल लो, मॉल्स खोल लो, आपको आपके ये सलोन्स प्यारे हैं, आपको रेस्टोरेंट्स प्यारे हैं, बस ट्रक सब खोल दो, जिम से ऐसी क्या आपको दुश्मनी है? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मतलब मैंने हर तरीके से अपना दिमाग लगा लिया, हर तरीके से सोच समझ के कर लिया, एनालाइज कर लिया कि ऐसी कोई एक वजह होगी जिसकी वजह से ये बंद कर दिया है और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया है। अगर एक बंदे ने मेरे को ये चीज़ बोली कि हाँ मेटल होती है, मेटल की मशीन्स होती हैं, लोहे में बहुत टाइम तक रहता है कोरोना का वायरस, इस वजह से और बार बार वही मशीन्स को बार बार मेंबर हाथ लगाएंगे, इस वजह से होता है, इस वजह से सेफ साइड पे जिम्स को मना किया हुआ है, तो मेरे को एक बात बताओ भाई साहब कि सैलून्स में जो कैंचियाँ होती हैं जिनसे बाल काटे जाते हैं या जो भी मशीन्स होती है ट्रिमिंग की, वो क्या प्लास्टिक की होती हैं ये किसी और बढ़िया कोई और कोई चीज़ मटेरियल की होती है क्या कि जिससे कोरोना स्प्रेड नहीं होता? या जो हेयर ड्रेसर है उसके हाथों से तो कोरोना स्प्रेड हो ही नहीं सकता? या जो लोग रेस्टोरेंट्स में और ठेलों पे जो वो खाना पका रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हाइजीन के साथ पका रहे हैं, वो तो लाखों सालों से जग जाहिर है इस चीज़ को कि यार कितना हाइजीनिक मिलता है बाहर इंडिया में, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएँ कितना हाइजीनिक खाना मिलता है, सब जानते हैं। कोई अच्छा जो फिटनेस प्रोफेशनल है वो बाहर खाना पसंद नहीं करता, मेरे जैसा आदमी, मैं अगर मेरा कंपटीशन होगा आसपास तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा बाहर का खाना, मुझे पता है कि मैं बाहर का कभी भी खाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा पेट ख़राब हो सकता है, तो मैं क्यों करूंगा ऐसी चीज़? अब जिन लोगों को इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट ख़राब हो गया ठीक है, उनको सिर्फ एक जबान का स्वाद ज़्यादा प्यारा है वो जाके खा सकते हैं इस टाइम, बट यार गवर्नमेंट को तो कम से कम ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बाहर का जब बनेगा खाना वो अब कोई स्पेशल, वो आप एक एक जगह जाके चेक कर रहे हैं क्या कि कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं? वो वैसे ही चल रहा होगा जैसे पहले चल रहा था, कुछ उन्होंने चेंज नहीं करा है अपने खाने पीने के बना, उनको पता है कि उनका पहले के मुकाबले सेल भी कम हो रही है, तो हो सकता है कि वो बासी भी बेच रहे हो, कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, देखिए सब जगह पॉसिबल है, बट जहाँ रोज़ नए लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स में सैलून्स में वहाँ पर आपने अलाउ कर दिया, जिस जगह पे रिपीटेडली सेम मेंबर्स आने हैं वहाँ पे आप अलाउ नहीं कर रहे। प्लीज़ मुझे आप ये बता दें कि इसके पीछे किसने बुद्धि लगाई है, कितनी अच्छी बुद्धि लगाई है और क्या सोच समझ के ये ऐसा फैसला लिया गया कि जिम्स को बंद रखेंगे? कभी तो आप जिम और सैलून मॉल और जितने भी आपके इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं होटल्स वगैरह उनको एक एक कैटेगरी में डाल के बोल देते हैं लॉकडाउन के टाइम में कि ये सब तो बंद रहेंगे। जब अनलॉक शुरू हुआ तो आपने होटल्स को अलग कर दिया, मॉल्स को अलग कर दिया और जिम वाली कैटेगरी को बंद रख दिया। आप खुद उठा के देख लीजिएगा न्यूज़ में कि क्या था, पहले बोलते थे रेस्टोरेंट्स जिम्स मॉल्स एट्सेट्रा बंद रहेंगे, ठीक है सभी कैटेगरी में आ रहे थे। अब उस कैटेगरी के दो तीन चीज़ें तो आपने उठा के कर दी ओके कि अब खोल लो और जिम को कहा कि नहीं बेटा आप बंद रखो, किस हिसाब से? मतलब कि जो जिम के जो लोग हैं, जो जिम से जुड़े हुए फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, उन लोगों को तमीज़ नहीं है हाइजीन मेंटेन करने की या किस तरीके से कोरोना स्प्रेड होने से बचाया जा सके, कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। अब इस चीज़ से जो भी फिटनेस इंडस्ट्री से और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं।
जितने भी जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, जब जिम ही नहीं चल रहे, जिम बंद पड़े तीन तीन चार चार महीने से, तो कौन खरीदेगा उनकी मशीन्स? और वो रॉ मटेरियल खरीदने के, वो ऐसा तो है नहीं कि हर इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि क्रेडिट पे चलती है। अब उन लोगों ने जो मशीन्स बनाने के लिए पीछे से जो क्रेडिट पे माल उठाया होगा, अब वो उनके डंडा कर रहे होंगे कि भैया हमारे पैसे दो, तो वो कहाँ से कर रहे होंगे? वो कहेंगे भैया या तो माल उठा के ले जाओ वापस अपना। तो ये तो स्थिति आ गई है कि जो आपके जो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उनके घर की रोटी लगभग लगभग बंद होने की कगार पे है। जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं जो जिम में आपको ट्रेन करते थे, उनके घर में सैलरी, ज़्यादातर जिम्स नहीं दे रहे हैं सैलरी, कहाँ से देंगे? जब जिम खुद ही नहीं चल रहे तो जिम ओनर के पास पैसा नहीं है, वो आगे अपने ट्रेनर्स को पैसा कहाँ से देगा? इस बात में मैं गलती ये नहीं बोलूँगा कि जिम ट्रेनर की है या ओनर की है, वो दोनों ही एक ही चक्की के अंदर दोनों पिस रहे हैं वो गुण की तरह। तो उसमें क्या कर सकते हैं? कभी सोचा है कितने फिटनेस ट्रेनर होंगे इंडिया में? हजारों में, लाखों में होंगे। तो इतनी लोग अब कैसे घर चलाएंगे? चाय बेचें वो ठेला लगा के, या और कोई चीज़ बेचें, सब्जी बेचें, फल बेचें, हो क्या करें क्या? वो कुछ तो एक यार एक स्पेशल नॉलेज होती है किसी बंदे को, जैसे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो बैंक का सारा पता है। तो आप उनको बिठा के एक मुनीम की कुर्सी पे अगर बिठा देंगे, उनसे नहीं चला जाएगा, वो नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब जिम का जो फिटनेस ट्रेनर है, जिसको फिटनेस की नॉलेज है, वो दूसरा काम कैसे सोच सकता? और इस टाइम में जबकि जॉब्स ही नहीं है, कई इंडस्ट्रीज से कई लोगों को निकाल दिया गया है, रिसेशन वाला टाइम है, मंदी चल रही है, इकॉनमी डाउन चल रही है, ऐसे में कई नौकरियाँ मिलेंगी तो है नहीं। अब वो क्या करेंगे ऐसे में? घर में एक पैसा नहीं आ रहा। जो जिम के ओनर्स हैं उनकी हालत पतली हो रखी है, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं सप्लीमेंट के, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो जिम के इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबकी हालत पतली हो रखी है। और ये कोई एक दो चार बंदे नहीं है, लाखों में है। इनको आप ध्यान ही नहीं दे रहे किसी तरीके से कि ये भी लोग एग्जिस्ट करते हैं धरती पर इस देश में। तो प्लीज़ उनका भी कुछ ध्यान रख लो यार। अनलॉक 2 था, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जिम खुल जाएंगे, बट फिर वही कहानी। अब 31 जुलाई तक बैठे रहो, टन टना बजाते रहो अपना। यार हम कब तक झेलते रहेंगे इस चीज़ को? इतने हमारे पास अरबों खरबों नहीं हैं कि हम लोग घर पे बैठे रहें और सालों सालों तक वेट करते रहें कि जिम कब खुलेंगे, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने कोई आपको लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री चल रही है वो बहुत, तो क्या बहुत प्रॉस्पेरस लोग हैं? किसी बॉडी बिल्डर को, अच्छे बॉडी बिल्डर का घर जाके देखना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदा होता है, और सिर्फ एक पैशन होता है कि हाँ देश का झंडा मैं ऊंचा करके लहराऊंगा जब बड़े स्टेज पे जाऊंगा वहाँ पे। वो सिर्फ एक, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसके अंदर, एक जज्बा होता है कि देश का नाम रोशन करना है। घर से जाके देखो बेचारे के घर के बर्तन बिक गए होंगे इस टाइम। बट ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। अब प्लीज़ इसीलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ। प्लीज़ जल्दी से जल्दी जिम खुलवाएँ, बस इतनी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और लाइक करें ना करें इस वीडियो को, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये वीडियो मैं कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बना रहा हूँ, जिम ओनर्स के और मेरे जिम भाई, जो जिम फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, मेरे भाई लोग, उनके लिए बनाई है ये वीडियो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस दैट्स इट। थैंक यू। जय हिंद।